Dear students, I am Baldev Srivastav. I am going to teach you chapter living and non-living things. हालांकि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था, सजीव चीजें बताए थे कि सजीव चीजें जो ये ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं अंडों के द्वारा या जन्म दे करके, इसके बारे में मैंने बताया था। और अब आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स। ये सजीव के बिल्कुल विपरीत होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव चीजें सांस लेते हैं, बढ़ते हैं और मूव करते हैं, लेकिन ये निर्जीव चीजें जो है वे न सांस लेते हैं, न बढ़ते हैं, न अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं। फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं। निर्जीव शब्द से ही मालूम होता है कि जिसमें जीव नहीं हो, मतलब कि प्राण नहीं हो, जिसमें जीव नहीं हो, निर्जीव। तो लेट अस रीड अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। सम फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ और नीड फूड। निर्जीव वस्तुओं की सबसे पहली विशेषता है कि वे सांस नहीं लेते हैं या भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, यानी भोजन की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है और न सांस लेते हैं। दूसरी विशेषता है कि दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वे अपनी जगह से घूम नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप नहीं घूम सकते हैं, निर्जीव चीजें अपने आप में नहीं घूम सकते हैं, उनको कुछ दूर, उनको किसी के मदद की जरूरत से वह थोड़ी दूर वह मूव कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में नहीं घूम सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कार कैनॉट मूव ओनली इफ समवन्स ड्राइव इट। एक कार जो है, जैसे एक कार है वीआईपी, वे अपने आप से नहीं घूम सकते हैं, उनको जब तक कोई ड्राइव नहीं करे, उस कार को जब तक कोई ड्राइव नहीं करे, तब तक वह कार अपने आप में नहीं घूम सकती है, मूव नहीं कर सकती है। तीसरी विशेषता है नॉन लिविंग थिंग्स का, निर्जीव वस्तुओं की तीसरी विशेषता है, तीसरा गुण है, दे डू नॉट फील और रिस्पॉन्ड। वे महसूस नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर यदि हम एक मुक्का मारें या कस के दबाव दें, तो ये मूव नहीं करते हैं, ये फील नहीं कर सकते हैं कि हमको चोट लगी है या हमको दर्द हो रहा है, इस तरह का उन्हें कोई फीलिंग नहीं होता है। दे डू नॉट फील और रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, यानी वातावरण में, उनके आसपास वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसकी वे प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, नहीं महसूस कर सकते हैं। यानी वातावरण में ठंड है कि गर्मी है, ये निर्जीव वस्तु है, ये अपना प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं। दे डू नॉट ग्रो और रिपोर्टिंग्स। चौथी विशेषता है निर्जीव वस्तुओं की कि वे बढ़ नहीं सकते हैं, यानी ये जो बोर्ड है, जितना बड़ा बोर्ड है, ये बोर्ड
ना बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है, यानी इसमें बढ़ने का गुण नहीं है, बढ़ने की विशेषताएं नहीं है। तो जैसे बेंच है, बेंच जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, वे ना बढ़ सकता है ना छोटा हो सकता है। तो निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु में बढ़ नहीं सकती है और रिप्रोड्यूस और न अपने समान जन्म दे सकती है। ये ब्लैक बोर्ड है, ये बोर्ड है, बोर्ड है, ये बोर्ड अपने समान इसमें से कोई प्रजनन नहीं हो सकता है, कोई जन्म नहीं दे सकता है। ये कलम है, ये मार्कर है, मार्कर जो है ये अपने समान किसी दूसरे मार्कर को जन्म नहीं दे सकता है। इसलिए निर्जीव वस्तुओं की चौथी विशेषता है कि वे न बढ़ सकते हैं न अपने समान प्रजनन कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। अब आइए नेचुरल एंड नॉन मैन मेड चीज, नेचुरल एंड मैन मेड चीज, नेचुरल एंड मैन मेड चीज। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, ये नेचुरल थिंग्स क्या है और मैन मेड थिंग्स क्या है। नेचुरल माने होता है प्रकृति और मैन मेड का मतलब होता है कि मनुष्य द्वारा निर्मित, यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया, बनाई गई वस्तुएं, यानी प्राकृतिक वस्तुएं और मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं, ये दोनों क्या 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 चीज है। तो नेचुरल थिंग्स क्या है, तो प्रकृति ने जिन वस्तुओं को बनाया है, यानी ईश्वर ने जिन वस्तुओं को बनाया है उसको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जैसे पहाड़ है, जल है, पानी है, ये सब नदियां हैं, ये सब प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, इसको मनुष्य नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो जिस वस्तुओं को प्रकृति ने बनाया है उसको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, और जिन वस्तुओं को मनुष्य द्वारा निर्मित है, जिन वस्तुओं को मनुष्य ने बनाया है उसे मैन मेड थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर, प्रकृति में, प्रकृति के अंतर्गत लिविंग थिंग्स सभी सजीव चीजें और नॉन लिविंग थिंग्स और निर्जीव वस्तुएं भी हैं। जैसे पहाड़ निर्जीव वस्तुएं हैं लेकिन वही सजीव, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, ये सजीव चीजें हैं। तो इन सबको क्या भगवान ने, ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, इन सभी को हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, यानी लिविंग थिंग्स, यानी मनुष्य, जानवर, पौधे, इनको मनुष्य ने नहीं बनाया है, इसको प्रकृति ने यानी ईश्वर ने बनाया है, इसलिए इनको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स, पहाड़ भी, पर्वत, पहाड़, नदियां है ना, ये सबको भी प्रकृति ने बनाया है, इसलिए इसे भी हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, जिसको प्रकृति ने बनाया है उसको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। सनलाइट, जैसे मैंने बताया सनलाइट, वाटर, एयर, रॉक्स माने चट्टान एंड प्लांट्स, पौधे, आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स, ये सब प्राकृतिक थिंग्स का ये उदाहरण है। लिविंग थिंग्स नीड लाइट फ्रॉम द सन, ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं, सजीव एयर लेते हैं टू ब्रेथ एंड वाटर टू ड्रिंक, सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए ये हवा लेते हैं और पीने के लिए पानी लेते हैं। ह्यूमन बींग्स, मनुष्य बिल्ड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एरोप्लेन्स, मनुष्य जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स को, ये नॉन लिविंग थिंग्स को ये क्या करते हैं, बनाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बेंच हुआ, ये बोर्ड हुआ, ये मार्कर हुआ, इसको किसने बनाया है, तो मनुष्य ने बनाया है, इसको मनुष्य ने निर्माण किया है। लाइक जैसे एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स को किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। हाउसेस, घर, बिल्डिंग्स एंड ब्रिज, ये अक्रॉस रिवर्स, नदियों के ऊपर जो पुल बने हैं उसको, द नॉन लिविंग थिंग्स बिल्ट बाय ह्यूमंस, तो नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं जो होती है वे मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, बनाए जाते हैं, आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स।
उसको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। वे निर्जीव वस्तु में जिसको मनुष्य ने बनाया है उसको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। अब आप कुछ याद करके आएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट ब्रेथ, मूव ऑन देयर ओन नीड फूड ग्रो फील एंड रिप्रोड्यूस ये लिविंग थिंग्स हुआ। नॉन लिविंग थिंग्स इसको आप याद करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स थिंग्स दैट डू नॉट ब्रेक, move on their own, need food, grow, feel, and reproduce. गिल्स क्या है? मछली जो गिल्स से सांस लेती है, द पार्ट ऑफ फिश द पार्ट ऑफ ए फिशेज बॉडी दैट हेल्प्स इट टू eat to breath, estomata, a small openings on the underside of the leaves that help the plant take in air. ये है स्टोमाटा। ये सब आपको याद कीजिएगा। Thank you. Have a nice day. I wish you all the best. See you in the next class.